जैसे अभी आपने बताया कोविड के लिए जो वैक्सीन आपने शब्द प्रयोग किया, एक और दूसरा शब्द होता है ड्रग, तो आप क्या समझेंगे ड्रग और वैक्सीन में? अगर अंतर आपको बताना है तो ड्रग और वैक्सीन हम कैसे कहेंगे? अच्छा, आपके हिसाब से जितने भी ड्रग हैं सबके साइड इफेक्ट होंगे फिर, और वैक्सीन जितने भी हैं उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? आप एक जूलॉजी के स्टूडेंट या जूलॉजी के प्रोफेसर के हिसाब से आप मुझे ये बताएं, वैक्सीन जो है अभी हमारे पास जो आया है कोविशील्ड, वो किस टाइप का वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है या और कोई दूसरे टाइप का वैक्सीन है, या लाइव वैक्सीन है या एटेन्यूएटेड वैक्सीन है? प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है? आप ये बताइए कोविड 19 में सीरम इंस्टीट्यूट का क्या योगदान है, वो क्यों चर्चा में है? अच्छा, कोविड 19 के संबंध में जनता कर्फ्यू भारत में कब लगाया गया था? कोविड 19 के संबंध में भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? अच्छा, 22 मार्च है। जनता कर्फ्यू से आप क्या समझते हैं? मानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड 19 के रोकथाम करने में भारत पूर्णतः कामयाब हुआ है, पहला क्वेश्चन। और वर्तमान में किस देश में कोविड का जो नया रूप आया है स्ट्रेन, उससे ज्यादा तबाही हो रही है? महामारी के वर्ष में रायगढ़ में क्या चक्रधर समारोह आयोजित हो पाया है इस साल? चक्रधर समारोह क्यों होता है वहाँ? अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कोविड के लिए रायगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा है?
केलो नदी है, उसका आंसर तो उसका उद्गम स्थल कहाँ है?